नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अभी हम भोपाल में हैं और भोपाल में छोटा तालाब है जहां पे बोट प्रैक्टिस और तरह तरह के गेम्स वगैरह होते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह से ट्रेनिंग करवाई जाती है। अब हम यहां पे जो कर्ता धर्ता है उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस जगह के बारे में। जितनी जानकारी हो सकेगी हम इस वीडियो में जुटाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं द खबरदार न्यूज में। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले। मैं सोहेल खान, मैं यहाँ पर असिस्टेंट कोच हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा। और हमारे जो मेन कोच हैं जो इंडिया टीम में कोच रहे हैं 10 साल तक, महेंद्र सिंह ठाकुर जी, वो यहाँ के इंचार्ज हैं। अच्छा। यहाँ पर हम लोग अलग अलग क्लबों से, अलग अलग स्टेटों से, प्रांतों से लड़के आते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, उनको प्रैक्टिस कराते हैं। ये वाटर स्पोर्ट्स का गेम है जैसे आपने देखा, ड्रैगन स्प्रिंट, यहाँ पर दो अलग अलग वराइटी कॉम्पिटिशन है। फिर कुछ और भी जैसे सलालम का है, सलालम और इनो स्प्रिंट ओलंपिक वाले गेम। अच्छा। और अभी यहाँ से हमारी एक अच्छी प्राची यादव जो पैरालंपिक गई इसी क्लब से। अच्छा, इसी क्लब से। तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी आते हैं और प्राइवेट भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो कुछ उसके बारे में बताइए कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति आना चाहे और प्रैक्टिस करना चाहे। ये प्राइवेट का क्लब है, एसोसिएशन की तरफ संचालित होता है। अच्छा। एक तो क्लब है अकेडमी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अकेडमी का क्लब है, जैसे अभी यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं लड़के, ये नेवी टीम कर रही है, इंडियन नेवी टीम कर रही है। ये इनका एक ट्रायल होगा यहाँ पर और इंडिया आर्मी का, वो अभी अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला है इसी गेम के सिलेक्ट। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये दो तीन महीने कैंप लगाते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो जनरली यहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश के कौन कौन से हिस्से से आते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए, या फिर यूँ कहें कि पूरे देश से आते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, पूरे देश से आते हैं। अच्छा। हमारे पास आप देखेंगे मणिपुर के भी हैं, आसाम के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, अलग अलग स्टेट के भी हैं। क्या कारण है कि मतलब मणिपुर जैसे इतने दूर के इलाकों से आते हैं लोग यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए? वहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, लेक नहीं है अच्छे। अच्छा। वेदर कंडीशन सही नहीं है गेम के हिसाब से। यहाँ पर पूरा ये सेंटर है, यहाँ का पूरा हब है इंडिया का, यहाँ हर चीज प्रोवाइड होती है। नेलो बोर्ड है, ये फॉरेन बोर्ड है यहाँ पर। अच्छा। ये फॉरेन बोर्ड है, ये 2-3 लाख रुपए की आती है। अच्छा। एक बोर्ड तो ये यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ पर, तो रेस्क्यू के हिसाब से पूरा सेफ्टी वगैरह पूरा इक्विपमेंट है, सेफ्टी पूरी सेफ्टी के हिसाब से है ना। तो अभी कितने सालों से ये क्लब संचालित हो रहा है? ये संचालित तो करीबन 25-30 सालों से हो रहा है। जो हमारे कोच हैं, जो जो एनडीटी में कोच रहे हैं अभी, तो वो उनके क्लब, उनके महारत में चलता है क्लब। अच्छा। अभी तक बात करें 30 सालों से संचालित हो रहा है, कई गेम्स होते हैं नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में। तो जैसे आपने एक स्टूडेंट का नाम बताया, और क्या उपलब्धियाँ रही हैं इस क्लब? और उपलब्धि यही है कि हमारे नेशनल में तो बेस्ट रहा है, हमारे इंडिया के अंदर ऑल ओवर चैंपियन रहती है एमपी टीम। और इंटरनेशनल के अंदर अभी हम लोग एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करा, हमारे ड्रैगन ने, स्प्रिंट वाली टीम ने, और इससे अदर अदर जो गेम होते हैं मेजर गेम, एशियन चैंपियनशिप में हमारे मेडल आ चुके हैं गेम स्प्रिंट के अंदर। अच्छा। तो अभी जैसे फैसिलिटीज की बात करें, मैं देख सकता हूँ जिम भी है, बोटिंग के लिए है, स्विमिंग के लिए है, और क्या क्या फैसिलिटीज हैं? फैसिलिटीज़ के लिए हम अभी लाइफ जैकेट प्रोवाइड कराते हैं, स्विमिंग कराते हैं लोगों को, और थोड़ा फिजिकल कराते हैं, रनिंग होती है यहाँ पर, ये एक्टिविटी चलती है। पूरा पार्ट हमारा ये है कि पूरा फिट फाइन, पहले वार्म अप होता है, उसके बाद पूरा वार्म अप होता है, पीटी होती है, फिर उसके बाद बोर्ड चेंज करते हैं, प्रैक्टिस होती है, उसके बाद फिर रिलैक्सेशन होता है, स्ट्रेचिंग होती है, ये पूरा रूटीन है। तो एक स्टूडेंट के को अगर मैं एवरेज बात करूँ, पर डे कितना आवर्स यहाँ पे स्पेंड करना होता है? ये कॉम्पिटिशन के पीरियड के ऊपर है कि जैसे कि अगर कोई फिटनेस के लिए आ रहा है तो उसको हम 2 घंटे में फ्री कर देते हैं। अच्छा। और अगर कॉम्पिटिशन के पर्पज से आ रहा है कि उसको हम सुबह शाम मिला के 4 घंटे लगते हैं। अच्छा, 4 घंटे लगते हैं। जनरली फीस वगैरह क्या, फीस स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे? फीस स्ट्रक्चर है कि अगर जो अपना खर्च है वही लेते हैं, बाकी उससे अगला कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। और रहने खाने के लिए भी आप क्लब वाले ही मतलब फैसिलिटीज देते हैं कि अलग से? नहीं, रहने खाने का बच्चा आता है उसको रूम दिखाते हैं, यहाँ रूम ले लो अपना, रहो सेफ जोन के अंदर। अच्छा। और आने जाने पर थोड़ा पाबंदी रहती है कि भाई कहीं घूमने को प्रोग्राम नहीं। अच्छा अच्छा। तो जनरली मतलब यहाँ पे हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है? नहीं, हॉस्टल की फैसिलिटी। लड़कियाँ भी आती हैं मैंने देखा तो देश के कई हिस्सों से आती हैं, क्या मतलब उनके लिए क्या स्पेशल फैसिलिटी या क्या? कुछ लड़कियाँ इसमें जॉब में भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ जॉब दी है, अवार्डी हैं कुछ, तो उसमें
जॉब करती है यहीं पर, सेल टेक्स के अंदर है, कुछ अलग अलग विभाग के अंदर है, तो यहाँ प्रैक्टिस करती है डेली, ऑफिस आती है अपनी। अच्छा, तो इसके बाद जैसे प्रैक्टिस हो गई और काफी चैंपियंस बनते हैं, स्पोर्ट्स का कोटा भी अलग होता है, हर केंद्र सरकार में भी होता है, स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है और जॉब्स में भी होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट की जॉब हो या नेशनल लेवल की जॉब हो, तो क्या हेल्प मिलती है यहाँ आए हुए स्टूडेंट्स को जो स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं? इंडिया में तो आर्मी में पूरा कोटा है स्पोर्ट्स का अच्छा खासा, लेकिन एमपी गवर्नमेंट में अभी थोड़ा कुछ टाइम पहले नेक्स्ट मंथ एमपी पुलिस ने भर्ती निकाली है कोटे की, तो उसके लिए अप्लाई करा है मुझसे लोगों ने, अकेडमी से भी करा है, क्लब से भी करा है, देखते हैं कितनी वैकेंसी है उस गेम के अंदर। क्या लगता है कि प्रेफरेंस मिलेगी इस यहाँ पे? हाँ, अनाउंसमेंट तो करा था अभी सीएम सीएम साहब ने, गेम मंत्री ने, कि हाँ इस गेम को हम एड कर रहे हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या। अच्छा, किसी को अगर यहाँ पे आके ज्वाइन करना है क्लब, क्या क्या मतलब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि सिर्फ फॉर्म भराएगा, लाइफ लाइफ अगर स्विमिंग आती है तो ठीक, नहीं तो फिर उसको स्विमिंग पहले सिखाते हैं, पहले बेस हमारा यही है कि पहले आपको आप उसकी एज देखते हैं कि अगर 10 साल से थोड़ा ऊपर हो और फिर स्विमिंग कराते हैं। फी वगैरह, फी स्ट्रक्चर क्या है? फी स्ट्रक्चर जैसे बताया मैंने कि जरूरत के हिसाब से होती है कि भाई बच्चे पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत दे सकता है तो प्रोसेस के हिसाब से ले लेते हैं। मतलब आप लोग सब्सिडाइज भी कर देते हैं अगर कोई बच्चा? हाँ बिल्कुल करते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास कुछ नहीं है तो हम लोग ले देते हैं। तो फिर जैसे आप लोग देखा जाए तो एक तरह से बहुत पार्टिकुलर नहीं है कि हमें ये फी स्ट्रक्चर है और इतना ही चाहिए भले ही आपकी फिनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो, तो वैसे में क्या गवर्नमेंट से कुछ एड्स वगैरह मिलती हैं इस क्लब को? नहीं, गवर्नमेंट से तो अब तक मेरे सामने तो कुछ नहीं आया, अगर एसोसिएशन अगर कुछ लेते हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसे अब तक तो मैंने देखा कि नहीं है। तो फिर कैसे संचालित होता है? बोलते हैं कि फी वगैरह भी, और ज्यादातर गरीब बच्चे ही आते होंगे प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ, ज्यादातर पूरे स्टेट से ऐसे ही आता है, गरीब बच्चे आते हैं, तो बस मैनेज करते हैं, हमारा ये एसोसिएशन है जो आईकेसीए है, वो भी इनके जनरल सेक्रेटरी यहाँ के प्रशांत कुशवाहा जी हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत फाइनेंशियल आईकेसीए में दे देता, तो हम उससे मैनेज करते हैं, जैसे बोर्ड मोटर बोर्ड आईकेसी देती है हमारी, इंडियन जो आईकेसी है वो बोर्ड उन्होंने दी हमें, बहुत सारा इक्विपमेंट उन्होंने दिया। अच्छा अच्छा, तो हेल्प मिल जाती है ना, बस ये है कि प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोग, तो यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस होती है फिर ब्रेकफास्ट वगैरह का क्या कुछ सीन है कि नहीं? नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं, ये अपने अपने रूम पर जाके वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं, खुद से अरेंज करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।